विपक्ष की एकजुटता दिखाने के लिए ममता बनर्जी की आज होने वाली रैली में भले ही तमाम विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता मौजूद हो, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपने समर्थन की चिट्ठी ममता को भेजी हो, लेकिन पश्चिम बंगाल कांग्रेस के सुर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेल नहीं खा रहे हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष सोमेन मित्रा ने कहा है कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। मित्रा ने कहा कि हाईकमान ने उन्हें लड़ाई रोकने के लिए नहीं कहा है। कोलकाता से कमोलिका सेन गुप्ता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर और अपडेट आगे देंगे। ममता बनर्जी की पुकार में जो रीजनल पार्टीज है वो एक साथ एक मंच में कोलकाता की ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में इकट्ठे होंगे और ममता बनर्जी का कहना है कि ये जो मंच दिख रहा है ये वही मंच है जो एक विकल्प देगा, मोदी सरकार के विकल्प में एक सरकार देगा और उसके चलते जो रीजनल पार्टीज है वो सारे एक साथ हुआ है और यहाँ पे नारा लगाया जाएगा कि इस ब्रिगेड समावेश जो है वो एक तरीके से सारे जहां से अच्छा तो लिखा हुआ है और उसके नीचे ये भी लिखा है भारत को प्रगतिशील सशक्त संयुक्त बनाने के लिए ये आज का ये जातीय जो प्लेटफॉर्म है, नेशनल जो प्लेटफॉर्म है वो बनाया गया है। यहाँ पे अखिलेश यादव से लेके तेजस्वी यादव से लेके मायावती के रिप्रेजेंटेटिव सतीश मिश्रा से लेंगे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सारे नेता यहाँ पे हैं। ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड सुबह से भर रहा है और तृणमूल कांग्रेस का ये दावा है कि ये एक ऐसा मीटिंग होगा जो इतिहास बनाएगा। फिर सुबह से देखा जा रहा है कि लोग भारी तादाद पे लोग यहाँ पे मौजूद है, सुरक्षा का काफी बंदोबस्त किया गया है, जैसे देखा जा रहा है कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं और लोगों के साथ काफी सारे वॉलंटियर्स भी दिख रहे हैं। कुल मिला के ममता बनर्जी की नेतृत्व में जो तृणमूल कांग्रेस दावा कर रहा है कि उनके नेतृत्व में दूसरे जो लीडर्स हैं चंद्रबाबू नायडू से लेके पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा से लेके सब एक साथ एक मंच में रहेगा। पर क्या ये सरकार को, बीजेपी सरकार को, भाजपा सरकार को करारी टक्कर दे सकेगा 2019 में, वो एक बहुत बड़ी सवाल है। पर 2019 का जो कैंपेन है, विरोधियों का जो कैंपेन है, वो आज यहीं से शुरू होगा। जी मीडिया के लिए कैमरामैन कमल जाना के साथ कुमोलिका सेनगुप्ता, ब्रिगेड। पूजा मेहता भी मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है हमारे साथ। पूजा, अभी रिपोर्ट देख रहे थे कोमलिका की, स्टेज तैयार हो चुका है, मंच यानी कि सज चुका है, लेकिन ये स्टेज पहली बार तैयार नहीं हुआ है विपक्ष के महागठबंधन की एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए। इससे पहले परफॉर्मेंसेज ज्यादा खास नहीं थी। जैसे कि आप बता रही थी पहले भी कि जिस तरीके से सोमेन मित्रा, जो प्रदेश कांग्रेस के यहाँ पे प्रेसिडेंट है, उन्होंने जिस तरीके से कल बयान दिया कि वो राज्य में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहेंगे और ये मतलब जो है वो सेंट्रल और स्टेट लीडरशिप में बहुत पहले से है। जहाँ एक तरफ राहुल गांधी बार बार ये कहते रहे हैं और उन्होंने चिट्ठी भी लिखी ममता बनर्जी को ये कहते हुए कि वो अपना पूरा सपोर्ट देते हैं इस रैली को, किसी बीच बार बार अपोज किया है स्टेट पुलिस ने। प्रदेश कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा गया कि उनको इस मीटिंग में नहीं जाना चाहिए, भाग नहीं लेना चाहिए। तो इस बीच जो है ये मतभेद सामने आ रहा है कांग्रेस का कि जहां एक तरफ वो एक साथ है दिल्ली में, वही दूसरी ओर राज्य में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। पूजा, एक और चीज है यहाँ पर, क्योंकि ममता का जो स्टैंड है वो क्लियर रहा है, वो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में फिलहाल नहीं है। वो भले ही तमाम विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने की कोशिश करें, तो क्या अब हम ये देखेंगे कि अगर तमाम विपक्षी पार्टियां इस मंच पर आ जाती हैं, लेकिन जो राज है वो ममता का रहेगा? जी बिल्कुल, शायद यही कारण है आज का ये जो महागठबंधन की जो मेगा रैली है कोलकाता में जिस तरीके से ऑर्गेनाइज की गई है, ताकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से ये प्रोजेक्ट किया जाए कि प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पे चुनी जाए और उनको प्रोजेक्ट किया जाए। लिहाजा जो है ममता बनर्जी ये खुद भी प्रूव करना चाहती है कि वो ये जो जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स है वो उनको यूनाइट कर सकती है और जिस तरीके से आज जो छवि सामने आएगी 12 बजे के बाद ही जहाँ सारे ऑपोजिशन लीडर्स एक मंच पे दिखेंगे, तो और देखना यही होगा कि आज मंच पर जो परफॉर्मेंस करने वाला है विपक्ष वो कैसी होने वाली है, क्योंकि अब बहुत कुछ तय होना बाकी है। शुक्रिया पूजा आपका, आगे अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।